बोल्ड एक्ट्रेस पूनम पांडे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जब से पूनम ने फेक डेथ पब्लिसिटी स्टंट किया है, तब से पूनम को तरह तरह की बातों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मामले में पूनम के खिलाफ तीसरी एफआईआर दर्ज हुई है। मुंबई के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने पूनम के खिलाफ केस दर्ज कराया है और एक्ट्रेस की गिरफ्तारी की मांग की है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने पूनम पांडे पर मौत की झूठी खबर फैलाने की शिकायत की है। अपनी शिकायत में फैजान ने कहा कि मुंबई का एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, पूनम पांडे ने पूरे देश का मजाक बनाया है। पूनम का नाम अश्लील वीडियो बनाना और युवा पीढ़ी को गुमराह करना है। उन्होंने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए करोड़ों लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। झूठी पब्लिसिटी करके पूनम ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी बदनाम किया। इसके आगे फैजान ने शिकायत में कहा कि मुंबई का नागरिक होने के नाते मैं पूनम पर झूठ बोलने, धोखा देने और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का मजाक बनाने और कैंसर पीड़ित लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए केस फाइल करता हूं, ताकि हिंदुस्तान में फिर कभी कोई इस तरह की पब्लिसिटी ना कर सके और लोगों को गुमराह ना कर सके। मेरा अनुरोध है कि पूनम को अरेस्ट किया जाए और कस्टडी में लिया जाए। फिलहाल पूनम पांडे की इस हरकत पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।